पुलिस हेडक्वार्टर में सचिव शैलेश बगोली ने डीजीपी अभिनव समेत सभी ऑफिसर से मुलाकात की। इस दौरान डीजीपी ने सचिव से स्मार्ट पुलिस को लेकर चर्चा की, साथ ही उत्तराखंड पुलिस को और बेहतर कैसे बनाया जाए इस पर भी चर्चा हुई। सचिव शैलेश ने बताया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने पुलिस को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर और ज्यादा स्मार्ट बनाने की बात कही है, उसे लेकर उत्तराखंड पुलिस को और साइंटिफिक कैसे किया जाए इस पर चर्चा हुई है। साथ ही जो 3 एक्ट भारत सरकार की ओर से लागू किए गए हैं, उन्हें इफेक्टिवली कैसे लागू किया जाए इस पर भी वार्तालाप हुआ। सचिव साहब, पहली बार जस्ट 4 दिन पहले आपने चार्ज लिया था होम डिपार्टमेंट का, तो मेरे आग्रह पे आप आज यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर्स आए और सारे ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ है और हम लोगों ने एक जो विभाग के बारे में एक प्रस्तुतिकरण दिया था उसकी हम आपको उसकी थोड़ी सी एक प्रेस रिलीज अभी बना के दे देंगे। उसके क्या क्या महत्वपूर्ण अंश थे, इसमें हमने डिपार्टमेंट की ओर से क्या प्रायोरिटीज़ हैं, कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्राथमिकता है, उनके बारे में आपको अवगत कराया। और उसके बाद आपने भी अपना जो एक एज होम सेक्रेटरी आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं गवर्नमेंट की पुलिस डिपार्टमेंट से, पब्लिक की क्या उसके बारे में बताया। अभिनंदन करता हूँ, आज ये पहला मेरा इंटरेक्शन था पुलिस डिपार्टमेंट के साथ और PHP में आज करीब 2 घंटे की हम लोगों ने मीटिंग की है। देखिए, मेरा मानना है कि जैसे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा है कि स्मार्ट पुलिसिंग की बात हम लोगों को करनी चाहिए कि कैसे हम लोग और अच्छे तरीके से और साइंटिफिक टूल्स यूज़ करते हुए, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कैसे हम लोग अच्छी पुलिसिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन को और साइंटिफिक कर सकते हैं। और बेसिकली जो हमारी 3 एक्ट भारत सरकार ने लागू किए हैं उस पर उसको कैसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस बारे में हम लोगों ने आज यहाँ पर चर्चा की है। और ये 3 एक्ट्स में जो लिखा है कि स्मार्ट पुलिसिंग की ही बेसिकली इसमें बात कही हुई है और इसका जो कोर में स्मार्ट पुलिसिंग है कि साइंटिफिक एविडेंसेस, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन आदि चीज़ों की इसमें बात कही है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो प्रदेश है एक तरह से डिजास्टर प्रोन भी है और इसके अलावा हमारा एक टूरिस्ट फ्रेंडली स्टेट है, काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, उस लिहाज से पुलिस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारा पुलिस विभाग काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें काम कर रहा है और उसको और बेहतर हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक आइडियल स्टेट बनने की तरफ हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट के लिहाज से कैसे जा सकते हैं आगे, उसके बारे में आज हम लोगों ने चर्चा की है।